तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बिंद्रा बांसो। दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जिनका फेस आपने कभी न कभी तो किया होगा। जी हां दोस्तों, यह सभी प्रॉब्लम रियलमी के फ़ोन में हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो सिंपली प्रॉब्लम कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपके फ़ोन के ब्राइटनेस फुल होने के बाद भी आपका ब्राइटनेस बहुत ही लो दिखाई देता है दोस्तों। सनलाइट में तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों सिंपली आपके फ़ोन को ब्राइटनेस फुल करने के लिए सिंपली हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली आपको चले जाना होगा फ़ोन के सेटिंग में और यहाँ पर डिस्प्ले ब्राइटनेस में आपको फुल अगर कर देंगे तब भी आपके ब्राइटनेस लो ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सीन कुछ इस तरह से है दोस्तों। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा सिंपली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आ जाते हैं इसके फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सिंपली आप यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग है। इस सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं सर्च का। सर्च में नहीं जाना होगा दोस्तों, तो सिंपली हम लोग इससे बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद इसका वर्जन आप देख सकते हैं दोस्तों, तो जो कि इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसका, तो वर्जन आप देख सकते हैं दैट 10 है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर इसका वर्जन देख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पर से सिंपली इस वर्जन में आपको बहुत सारा रियल मी फ़ोन में स्क्रीन लो होने का प्रॉब्लम मिलता है दोस्तों। तो सिंपली इसे फिक्स करने के लिए हम लोग इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटिंग को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक कन्वीनियंस टूल मिलेगा जैसा कि ओपन हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली हम लोग उसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, तो यही सेटिंग है, इसमें इसी से आपको स्क्रीन ब्राइटनेस फिक्स हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट। तो सिंपली बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री। तो दोस्तों इसमें आपको जाना है सिंपली, तो आपको इरेज नहीं करना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज करना, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग है जो कि यहाँ पर उसको रिसेट कर देना होगा। रिसेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो दोस्तों इस पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस करना होगा दो बार। फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, तो सेकेंड तो रिस्टोरिंग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग हैज बीन रिस्टोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से सेटिंग हो चुका है। आप सिंपली आपको चले जाना होगा अपने ब्राइटनेस में, वहाँ से आप अपने ब्राइटनेस को तेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ से भी अपना ब्राइटनेस को तेज कर सकते हैं दोस्तों। तेज करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटो ब्राइटनेस को हम लोग ऑफ कर देंगे। तो सिंपली इसे हम लोग यहाँ से ऑफ अभी कर देते हैं। ऑटो ब्राइटनेस यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, तो कितना सनलाइट में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो है, तो दोस्तों इसमें ब्राइटनेस का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वीडियो में ब्राइटनेस अपने फ़ोन से भी कम बेसी कर सकते हैं दोस्तों। तो ब्राइटनेस का आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।